नमस्कार, खबर 9 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 15 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। सीतापुर, मऊ और सोनभद्र के एसपी बदले गए हैं, साथ ही सिद्धार्थनगर और सुल्तानपुर के भी एसपी बदले गए हैं। लखनऊ और वाराणसी कमिश्नरेट में भी अफसरों का तबादला हुआ है। सुल्तानपुर के एसपी बने आईपीएस सोमेन वर्मा लखनऊ में डीसीपी पश्चिम के पद पर तैनात थे। 5 जिलों में नए एसपी में से 2 का प्रमोशन हुआ है। अयोध्या के आईजी रेंज की जगह डीआईजी अब तैनात किए गए हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की है, 15 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। कल भी तबादले से जुड़ी खबर सामने आई थी, आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए थे, अब आईपीएस अफसरों का भी तबादला किया गया। सीधा रुख करेंगे संवाददाता अनिल यादव हमारे साथ कनेक्ट है। अनिल, 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, किस अधिकारी को कहां की जिम्मेदारी मिली? बिल्कुल, देखिए सरकार ने बड़े स्तर पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें कई जिलों के कप्तान हैं और डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं, तो जबकि कई जो हैं इसमें डीडीजी रैंक के भी अधिकारी हैं। ठीक है, इसमें अपर्णा कुमार को पुलिस महानिदेशक पीएससी सेंट्रल जो लखनऊ बनाया गया है, और इसके अलावा जकी एमएल अपर पुलिस महानिदेशक इनको पीडीसी सीतापुर बनाया गया है जी। और इसे कप्तान जिलों के बदले गए हैं। जितिन कुमार मिश्रा को चित्रकूट का डीआईजी बनाया गया है, एसके भगत को पुलिस महानिरीक्षक भवन एवं कल्याण उत्तर प्रदेश पुलिस बनाया गया है। इसके अलावा घुले सुशील चंद्रभान को एसपी सीतापुर, अविनाश पांडे को एसपी मऊ और सोमेन वर्मा को एसपी सुल्तानपुर बनाया गया है। तो कई जिलों के कप्तान बदले गए हैं, और ये देखिए माना जा रहा था कि चुनाव के बाद सरकार बड़े स्तर पर आईएएस आईपीएस के तबादले करेगी, उसी कड़ी में इनके तबादले किए गए हैं। जहां से रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी जिन जिलों में, वहां कप्तान बदले गए हैं। और ये ना तो पहली और ना आखिरी लिस्ट है, अभी भी कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले की लिस्ट आना बाकी है। अनिल, 2 अधिकारियों को प्रमोट भी किया गया, इसके अलावा कमिश्नरेट लखनऊ और कमिश्नरेट वाराणसी में भी कुछ बदलाव हुए, उनके बारे में अगर जानकारी है। बिल्कुल, डीसीपी सेंट्रल सोमेन वर्मा लखनऊ में थे, उनको उनके काम का इनाम मिला है और उनको यहाँ डीसीपी के पद से प्रमोट करके एसपी सुल्तानपुर बनाया गया है। इसी तरह से वाराणसी से भी कमिश्नरेट में अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये तबादला एक्सप्रेस अभी ये पहली कड़ी है, और माना जा रहा है कि आने वाले 2-4 दिनों में एक और लिस्ट आएगी, जिसमें कई और जिलों के कप्तान बदले जा सकते हैं और कई जिलों के आईजी डीआईजी और एडीजी रैंक के अधिकारियों को भी ट्रांसफर किया।